हेलो पीपल, गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त विजय। मैं हूं बढ़िया, आप सभी बढ़िया ही होंगे। सो भाई, फाइनली अपने गाड़ी पे 50,000 कंप्लीट हो चुके हैं। 50,000 से ज़्यादा ही हो गए। 50,000 पे भी मैंने एक छोटा सा क्लिप बनाया था। सो पहले आप लोग वो देखो, फिर मिलते हैं। सो 50,000 किलोमीटर कंप्लीटेड, 50,000 कंप्लीट हो चुके हैं मेरे पार्टनर के साथ। एंड थैंक यू सो मच पार्टनर, लव यू लव यू लव यू लव यू गाइस, लव यू। सो गाइस, जैसे कि देखा आप लोगों ने, 50,000 हो चुके हैं। सो थैंक यू सो मच पार्टनर, लव यू। पार्टनर क्यों बोलता हूँ मैं इसको, मुझे पता है। सो ये है अपना पार्टनर, बहुत साथ दिया मेरा इसने। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। सो आज अपन बात करते हैं 50,000 ओनरशिप प्रीव्यू के ऊपर। सो भाई, इसके बारे में बात करो तो बहुत अच्छाई के लिए बात करें तो मेरे लिए बहुत अच्छा है। कभी मेरे को इतने बार भी, मैं लॉन्ग राइड्स पे, शॉर्ट राइड पे जब भी जाता हूँ, इसने कभी मेरे को हैंड नहीं दिया भाई, कभी भी मेरे को इसने हाथ नहीं दिया। कभी भी करता हूँ तो कुछ भी राइड्स पे मेरे को हैंड नहीं दिया। वही मेरी अच्छाई है मेरे पार्टनर की मेरे साथ में। मेरे को भरोसा है पूरा पार्टनर के ऊपर, मैं भरोसा करता हूँ पार्टनर पे और निकल जाता हूँ राइड पे। सो वो भरोसा कायम है अभी भी इस पे। सो बात करते हैं इसकी डिसएडवांटेज के लिए। भाई मेन थिंग एक है, सामने या ऊपर से चालू करते हैं। इसका जो ये लाइट है, ये हेडलाइट जो है, ये मेरे को उतना खास लाइट नहीं देता। एक्चुअली मैंने एक यहाँ पे लाइट लगाया था, बट वो टूट चुका है तो निकाल दिया। मैं अभी देख रहा हूँ फॉग लैम्प के लिए। अगर आपको कुछ फॉग लैम्प अच्छे वाले पता है जो इसको सेट होते, सो प्लीज़ मुझे मैसेज या नीचे कमेंट करके बता देना प्लीज़। ये एक है। एंड इसका जो ये है शॉक अब्जर है, ये सस्पेंशन, ये मेरे को अच्छा नहीं लगता। 50,000 कंप्लीट हो चुके हैं और ये पूरा ख़राब हो चुका है। मतलब पूरा नहीं, अभी भी चलता बोल के बोले थे इरफान भाई, अपन थोड़े दिन में ये नए डला लेंगे इसके। सो ये एक है। एंड और क्या है बोले तो, चेंजेस ये है, यहाँ पे टैंक आ रही 6G को, 5G में नहीं है। अपन जैसे कि मैं लॉन्ग राइड्स पे जाता हूँ तो मेरे को पीछे टैंक चाहिए। लगेज जैसे मैं पीछे कभी कभी लगेज कैरी करता हूँ तो लगेज के लिए मेरे को कभी कभी दिक्कत होती है। सो ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं कभी कभी ऐसे सामने भी बैग लगा लेता हूँ, इसमें ही आ जाता है मेरा सारा लगेज। बट कभी कभी बड़ा ज़्यादा लगेज रहता है 3-4 दिन का, तो मेरे को थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बस उतना ही और कुछ भी नहीं है। एंड इसका ब्रेकिंग भी थोड़ा सा उतना ज़्यादा पावरफुल नहीं है। रेनी सीज़न में थोड़ा अपने को केयरफुल ही रहना पड़ता है इसका ब्रेकिंग के लिए। टायर जैसे कि मैं, ये मेरा एक टायर, ये जो मेरा फ्रंट टायर है वो सेकंड टायर है। मैं जब से लिया पार्टनर को तो ये मेरा सेकंड टायर है। बैक टायर मेरा जो है वो आई थिंक फोर्थ वाला है, अभी फोर्थ चल रहा है। पीछे का टायर बहुत ज़्यादा घसता, दोनों भी उतने ही चलते लेकिन क्या है, पीछे का ज़्यादा घसता, तो उसके लिए वो टायर में मेरा फोर्थ है ये। सो फोर्थ टायर दलाया मैं उसमें। एंड लाइट्स तो पक्का मैं चेंज करूँगा ही करूँगा इसके। एंड इसका जो है डिक्की, एक्चुअली इसमें थोड़ा स्नैक्स वगैरह आया, विलेज आया था तो इसके लिए इसमें स्नैक्स लगा। इसका जो पेट्रोल का टैंक ही है 5 लीटर्स का ही है, 5 लीटर्स है, ओके नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जैसे 6G को टैंक का ऑप्शन पीछे दिया है, अगर वैसा देते इसमें तो बहुत ही अच्छा रहता था समझो। बट अपनी किस्मत, अपनी 6G नहीं है, अपनी 5G है, सो अपन इससे भी काम चला लेना पड़ता। बट इतना ही है कि पीछे लगेज जब लगाते हैं तो अपन थोड़ा सा अपने को रुक रुक के 200-150, 150-200 पे रुक के चलाना पड़ता है बस। और एक चीज़, एक्टिवा एक्चुअली लॉन्ग राइड्स और शॉर्ट राइड्स भी कर सकती है। लॉन्ग, ये शॉर्ट राइड्स के लिए नहीं बनी है।
इस पे अपन लॉन्ग राइड्स भी कर सकते हैं, बिकॉज बहुत लोगों ने इस पे लॉन्ग राइड्स किए हैं। अपने प्रतीक दादा है, प्रतीक दादा तो लद्दाख जाके आ चुके हैं, अपनी पार्टनर भी जाएगी एक दिन बड़े लॉन्ग ट्रिप्स पे, पक्का लेके जाऊंगा इसको मैं, मेरे को भरोसा है पार्टनर पे, आई विल टेक केयर, मैं उतना उसका टेक केयर करता हूँ। लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ही है अच्छी बाइक है, क्योंकि लॉन्ग राइड्स के लिए बहुत ही अच्छी, मतलब कि भाई देखो अपने ऊपर रहता, अपन अपने स्कूटर को अपने बाइक को अपन कैसा मेंटेनेंस कर रहे वो हिसाब से लॉन्ग राइड्स के लिए, क्योंकि आप खाली गाड़ी चलाएंगे और स्कूटर है बाइक है कुछ भी है आप सर्विसिंग नहीं करेंगे, खाली गाड़ी चलाएंगे बोले तो नहीं होता, आप उसको मेंटेन करना, आप उसको टेक केयर कर लेना पड़ता, एक छोटे बच्चे के वैसा टेक केयर कर लेना पड़ता। भाई मैं तो इसका कुछ भी थोड़ा सा भी ख़राब होता है तो पहले जाता हूँ मैं रिप्लेस करवाता हूँ, सो इसीलिए मेरे को अभी तक इसने कभी भी हाथ नहीं दिया, यही अच्छा ही है इसकी पार्टनर की। लॉन्ग राइड्स भी जा सकते हैं, सिटी में भी अच्छी है, मैं सिटी में घूमता हूँ, लॉन्ग राइड्स करता हूँ, सब करता हूँ इसमें, एंड बस इतना ही। बहुत लोग बोलते हैं भाई इस पे आप कैसा लॉन्ग राइड करते, भाई अगर करने का रहे तो बस है, करना अगर अपने दिल में है तो कर सकते अपन। एक और एक चीज़ क्या है बोले तो भाई इसका जो सीट रहता है ये कुशनिंग थोड़ा सा हार्ड रहता, सो अपने को बैक पेन तो होता कंपलसरी, थोड़ा सा ये करना पड़ता। एक्वारेक इसका जो कुशनिंग चेंज करवाया मैं, बट फिर भी मेरे को कंफर्टेबल नहीं था, सो मैं इसका सोच रहा हूँ कि एक एयर का एयर सीट आता है इसका, सो मैं जल्दी से जल्दी देखूँगा। एक्चुअली उसका रेट थोड़ा सा ज़्यादा है, ऑनलाइन में देखा मैं, अगर कम में मेरे को मिल जाता है या ऑफलाइन में भी कम में मिलता है तो मैं मंगा लूँगा, ऑफलाइन में ले लेंगे अपन। ये एक है, एक इसको एयर सीट एक डलाना है, एयर सीट आप डलाए तो आपका बैक पेन थोड़ा सा कम हो सकता है, उससे आपको रिलीफ मिलेगा। एंड एक और एक लाइट्स लगाना है, बस इतना ही, और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर 5G में क्या अच्छा रहता था बोले तो भाई एक पेट्रोल के टैंक के पीछे और इसका हेडलाइट अगर थोड़ा सा और ज़्यादा रोशनी वाला देते तो अच्छा रहता था, बट कैसा भी अपने को फॉग लैम्प लगवाना है जल्दी से, यहाँ पे अपन लगाएंगे, यहाँ लगाए से तो तोड़ दिए बच्चे, सो जल्दी से अपन फॉग लैम्प्स लगवाएंगे इस पे। एंड इसका जो ये गियर बॉक्स होता है इसके अंदर का मैंने पूरा पार्ट्स चेंज किया है, एंड मेरा जो इसका बेल्ट जो होता है वो बेल्ट भी मैंने आई थिंक 45,000 चला था मेरा एक बेल्ट। मैं जब मैकेनिक से इरफान भाई से पूछा था उन्होंने बोले कि 10,000-15,000 पे चेंज करना, बट मेरा 45,000 आया भाई, बहुत है भाई। बाइक हो या स्कूटी हो कुछ भी हो अपन ऐसा चला रहे बोले तो चलाते नहीं रहे ना अपन, उसको मेंटेन भी करे तो अपने को, अपन जितना मेंटेन करे गाड़ी को उन्हों उतना अपने को देखती, अपन खाली गाड़ी चलाएंगे बोले तो नहीं होता, अपन मेंटेन करना बाइक या स्कूटर जो भी हो अपन जितना मेंटेन करेंगे उन्हों अपने को उतना साथ देती, बस इतना ही याद रखो। कभी भी खाली आ रहे क्या आ रहे भाई एक्टिवा है अपन खाली चलाएंगे बोले तो नहीं होता, अपन भी मेंटेन करना इसको, मेंटेन करे तो मस्त चलती। और मेरा अभी तक देखो भाई 50,000 हो गया, बट कब अभी तक इंजन में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आया मेरे को, थोड़े लोगों का 15,000-20,000-30,000 भी हो जाती इंजन हाथ को आ जाता उनका, क्यों बोले तो वो लोग मेंटेन नहीं करते प्रॉपर तरीके से मेंटेन नहीं करते। मैं 2,000-2,500 के अंदर ही इसका सर्विसिंग कराता हूँ, और इंजन ऑयल भी अच्छा वाला मोटुल का या नहीं तो होंडा का डलाता हूँ, 10W30 आता जो वो ही डलाता हूँ, तो वो ऑयल अच्छा रहता है। और कभी कभी क्या है सर्विसिंग थोड़ा लेट भी हो गया तो अपने को प्रॉब्लम नहीं आता, अपन लोकल ऑयल डालेंगे अपन 100-150 रुपये में, वो मतलब वो पूरा कैन आता बड़ा वाला उसमें से निकाल के डालेंगे वो तो नहीं, अपन ही ऑयल क्या कभी भी भाई अपन खुद से चेंज करना, नहीं तो अपने को मैकेनिक के पास अपन जब जाते तो अपने सामने ही अपन चेंज करवाना, कोई कोई मैकेनिक क्या है बोले तो मिक्स करके डाल देते, तो ऑयल अपने सामने करना, चेंजिंग अपने सामने कराए तो अच्छा रहता। एंड इसका माइलेज अपन यहाँ से निकलते हैं, चलते चलते बात करेंगे ऑन द वे। मेरे ग्लोवस अंदर है, मैं अभी अंदर है तो यहाँ तक ही जाना है तो पहन लूँगा आगे जाके। एंड सीनरी देखो गाइस क्या मस्त लग रहा है व्यू यहाँ पे भाई, एक नंबर। सो इसका माइलेज,
इसका माइलेज देखो भाई, वो जैसे कि मैं बोला अपने ऊपर रहता, अपन कैसा मेंटेन करे गाड़ी को वैसा रहता, और अपन क्या कैसा चला रहे, अपन खाली एक ही स्पीड पे मेंटेन करे तो अच्छा माइलेज देती, अपन खाली ऐसा भगाएंगे एकदम को ऐसा ब्रेक मारेंगे बोले तो माइलेज नहीं देती, माइलेज खा लेती। अभी मेरे को माइलेज भाई, मेरे को माइलेज कैसे है बोले तो देखो, मैं एक बार टैंक फुल कर देता हूँ, 5 लीटर आता, 5.3 लीटर्स का इसका कैपेसिटी है पेट्रोल का। सो 5.3 में मेरे को 230-240 किलोमीटर्स चलती, एंड उसके बावजूद भी उसमें थोड़ा सा पेट्रोल रहता है। मैं जब भी टैंक फुल कराता हूँ, मैं ऐसे 100-200 का तो कभी नहीं डलाया, सीधा टैंक फुल कराता हूँ, टैंक फुल में मेरे को 230-240 ऐसे आता। सो एवरेज देखे तो 45 का आता भाई, 45-48 का आता। सो आप सोच सकते हैं कि मैं कितना अच्छा मेंटेन करके रखा मैं, क्योंकि थोड़े लोगों का 30-35 देती अपनी गाड़ी, इतना लॉन्ग राइड्स कर ली, सब कर ली, लेकिन 50,000 हो गए फिर भी अपनी गाड़ी इतना अच्छा माइलेज देती। सो आप सोच सकते मेंटेन अच्छा करे तो सब अच्छा रहते, एंड और बहुत भी लॉन्ग राइड्स पे करने वाला हूँ मैं अभी, अभी मीन्स आने वाले दिनों अच्छे में। से मेंटेन करो गाड़ी, आपको मेंटेन अच्छी करती गाड़ी, आप गाड़ी को मेंटेन करो, गाड़ी आपको मेंटेन कर दी, कहीं को बोले तो रस्से में हाथ नहीं देती गाड़ी अगर आप अच्छा मेंटेन करें तो उसको। सो आज के लिए इतना ही गाइस, अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो लाइक करो, शेयर करो, एंड कमेंट करना मत भूलना, और सब्सक्राइब करके ही जाना गाइस, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। सो बाय बाय, टेक केयर।